ये निश्चित भाई चल दिए अभी मुझे छोड़ के, यहाँ ड्रॉप किया इन्होंने बाहर। तकरीबन 80 किलोमीटर और जाना है अभी मैं तो। थैंक यू वेरी मच निश्चित मेरे भाई, आपने यहाँ तक छोड़ भी दिया मुझे। बीच में पार्क था एक, जो स्पॉट था वहाँ रास्ते में पड़ता था वो भी दिखाया, और फिर जाते जाते कॉफ़ी पिला के मुझे यहाँ शहर के बाहर तक ड्रॉप भी किया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच में जाते जाते भी मेरी नेपाल की ट्रिप आपने यादगार बना दी, और राजेश भाई और निश्चित भाई ये दो दिन आप लोगों ने सच में ना भूलने वाले बना दी मेरे लिए। ये चीज़ें मैं लाइफ टाइम याद रखूँगा। जब तक खड़े हैं यहाँ तब तक आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नेपाल के अंदर जो सरहदें होती है, मतलब जो स्टेट की बाउंड्री होती है स्टेट, और जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती है, जो बॉर्डर्स होते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के, वो यहाँ वैसे लाइन खींच के डिफाइन नहीं किए जाते, वो एक्चुअली नदियों पे डिफाइन होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही एक नदी क्रॉस करेंगे, नदी के इस तरफ दूसरा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट होता है, नदी के उस तरफ दूसरा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट होता है। तो ये अच्छा है यार इनका, यहाँ मतलब कोई झंझट ही नहीं है ये ध्यान रखने का, किताबों में लिखने का कि फलाना ये गांव, ये रोड, ये सड़क यहाँ तक इस स्टेट में है, इस ज़िले में है। ठीक है भाई, नदी है, ये नदी जहाँ तहाँ तक जाएगी वहाँ तक हमारी बाउंड्री है, ये ज़िला हो गया, ये राज्य हो गया। मेरे को लिफ्ट मिल गई आगे, दमक से आगे अभी निकल रहे हैं। तो पंच बहादुर जी ने लिफ्ट दी है मेरे को, और ये है महोदय पंच बहादुर जी। ये इंडियन आर्मी में थे, जो गोरखा रेजिमेंट में थे ना सर, तो गोरखा रेजिमेंट में थे ये, और अभी रिटायर हो चुके हैं। 4-5 साल हो गए इनको रिटायर हुए, तो अभी घर पे रहते हैं, घर की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे कंट्री की आर्मी को सर्व किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूरे देश की तरफ से धन्यवाद करता हूँ आपका। तो चलिए अपना सफर आप आगे बढ़ाते हैं जी, पंच बहादुर जी के साथ। तो सर आप मेरे को कहाँ तक छोड़ दोगे? मैं आप यहाँ से कितना किलोमीटर हो जाएगा वो? तो पंच बहादुर जी मेरे को अभी 25 से 30 किलोमीटर के बीच में कहीं ड्रॉप कर देंगे, तो ऑलमोस्ट मैं बहुत नजदीक पहुंच जाऊंगा बॉर्डर के। तो उम्मीद करते हैं आज शाम को अंधेरा होने से पहले मैं सिलीगुड़ी पहुंच जाऊंगा। तो चलिए जी, ये कनकाई नदी है, यहाँ से बिहार की तरफ जाती है, बिहार से होते हुए ये आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र फिर मेरे ख्याल से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है जाके। बहुत बड़ी है ये, अभी वास्ट है एकदम, काफी चौड़ाई बहुत है इस नदी की। अभी तो पानी इसमें नहीं है, तो शायद बरसात के मौसम में ये भी भर के चलती होगी, बारिश के मौसम में इसमें बहुत पानी आता है। ये है मेरे साथ पंच बहादुर जी, तो ये मेरे को ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर ले आए, और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर और बॉर्डर बचता है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने हमारे देश को सर्व किया है तकरीबन 28 साल ये इंडियन आर्मी में थे, गोरखा रेजिमेंट में थे वहाँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भाई वहाँ इतना समय दिया है वहाँ अपने देश से बाहर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो ये थे पंच बहादुर जी जिन्होंने मेरे को ड्रॉप किया, और जिनको नहीं पता भाई उनके लिए मैं बता दूं, गोरखा रेजिमेंट सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं है, वो ब्रिटिश आर्मी में भी एक गोरखा रेजिमेंट है, जिसमें इनके पंच बहादुर जी के पिताजी ने सर्विस दी है। इनको एक्चुअली जाना तो पीछे ही था, इनका रास्ता पीछे था, इनको जहाँ तक आना था वो जगह पीछे रह गई थी, मेरे लिए ये आ गया, इन्होंने शहर क्रॉस करवा दिया, मुझे शहर से इस तरफ ला के छोड़ दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि मुझे पैदल चलना पड़ता ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर तो पैदल ज़रूर चलना पड़ता, वो भी मेरा बच गया। चलिए अब कोशिश करते हैं यहाँ से आगे कितनी देर में लिफ्ट मिलेगी। तो बॉर्डर है यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास, अगर लिफ्ट मिलती है तो मुश्किल से 15-20 मिनट मेरे को लगने चाहिए। और तो हिच हाइकिंग के लिए एक टिप मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर आप नेपाल में हिच हाइक कर रहे हैं तो आप 2-व्हीलर्स को अप्रोच कीजिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 2-व्हीलर्स की तादाद हद से ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे 2-व्हीलर्स यहाँ पर चलते हैं। और फोर व्हीलर्स को आप अप्रोच करोगे तो उसमें क्या है, 4-व्हीलर्स यहाँ एक तो महंगे होते हैं, तो जब कोई गाड़ी लेके निकलता है तो पूरी फैमिली ही उसमें लगभग साथ होती है, तो उसमें जगह भी नहीं होती, और इसलिए वो रोक भी नहीं पाते। तो आप 2-व्हीलर्स को अप्रोच कीजिए, 2-व्हीलर्स इजीली आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो एक तो तादाद ज़्यादा है उनकी, और वो वैसे तो वो भी 2 सवारी के साथ ही होते हैं, बट कभी कभी होता है कि हाँ कुछ लोग डबल सवारी में चलते हैं, कुछ लोग एक, तो वो इजीली आपकी हेल्प कर देते हैं।
इस हाइकिंग के लिए नेपाल का ये सबसे बड़ा टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि गो फॉर टू व्हीलर्स को अप्रोच कीजिए आप अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं। हो सकता है हाँ फोर व्हीलर्स में भी ऐसा नहीं है, आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी, फोर व्हीलर्स में भी सिर्फ लिफ्ट मिल जाएगी आपको, बट आपका बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है। हाँ आप यूँ मान लिए जितना आप फोर व्हीलर्स के लिए वेट करेंगे उतने टाइम में आप मतलब बहुत लंबा सफर तय कर सकते हैं। आप फोर व्हीलर्स के इंतज़ार में हो सकता है आपको पूरा दिन भी निकल जाए, आपको ना मिले लिफ्ट। और टू व्हीलर का क्या है, टू व्हीलर में सर बहुत ईजिली आपको लिफ्ट मिल जाएगी, आप 15 से 20 मिनट आप कहीं खड़े होंगे, इजिली कोई ना कोई आके आपके लिए रुक जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ये टिप आप फॉलो कीजिए अगर आप हिचहाइक कर रहे हैं नेपाल में, गो फॉर अप्रोच कीजिए टू व्हीलर को, बहुत जल्दी आपको लिफ्ट मिलेगी और अब बहुत जल्दी आपका सफ़र पूरा होगा। थोड़ा सा वहाँ से तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, एक छोटी सी लिफ्ट मिली थी मेरे को 2-3 किलोमीटर की। तो ये मेरे पीछे एक पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन जिसको बोलते हैं वो है। तो ये यूजुअली एक बहुत अच्छा स्पॉट माना जाता है हाइकिंग के लिए। यहाँ से अगर आपको टाइम लग रहा है तो जो गाड़ियाँ यहाँ आती हैं आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी हो उनको अप्रोच कर सकते हो, तो पॉसिबली कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा आपकी। तो जी धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं बॉर्डर की तरफ। तो अभी इन भाई ने मेरे को लिफ्ट दी है, प्रकाश भाई ने, और ये एक गाड़ी है छोटा हाथी जिसको बोलते हैं इंडिया में, छोटा हाथी है ये। तो प्रकाश भाई ने मेरे को लिफ्ट दी है, ये है प्रकाश भाई। तो ये तकरीबन 6 किलोमीटर मेरे को छोड़ देंगे, तो बॉर्डर के 6 किलोमीटर और करीब हो जाएंगे हम। तो चलिए जी चलते हैं, 6 किलोमीटर के सफर का आनंद लेते हैं भाई के साथ। आप लोगों से मिलता हूँ 6 किलोमीटर बाद। तो जी मेरे पीछे रह गया है नेपाल और मेरे सामने उधर है इंडिया। तो वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएंगे हम, थोड़ी सी दूर है। वो जो सामने ग्रीन कलर का बोर्ड देख रहे हो आप, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, वो है इंडिया और पीछे है नेपाल और बीच में है ये नदी, शायद यही बाउंड्री है इंडिया और नेपाल की। चलिए फटाफट पहुँचते हैं, मिलता हूँ उस पर। भाई इंडिया की साइड पे आ गया हूँ मैं, और इंडिया की साइड पे आते ही एक चीज़ तो मेरे को दिखी कि वहाँ कुछ एजेंट्स वगैरह जो हैं वो घूमते रहते हैं, आपको थोड़ा सा लूर करेंगे वो कि भाई इतने में मिलेगा इतने में मिलेगा। अभी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, ये तो जो जिनके साथ मैं जिनकी गाड़ी में, ये भाई ठीक थे, इन्होंने थोड़ा सा कोऑपरेट किया मेरे साथ, बट उसने क्या किया मेरे साथ 300 में बात की थी, 300 रुपये में हम सिलीगुड़ी तक ड्रॉप करने की। जैसे ही वो गाड़ी में बिठा के मेरे को वहाँ इमिग्रेशन पॉइंट से थोड़ा सा आगे लेके आए, तो बोला कि 300 मुझे दो और 300 गाड़ी वाले को दो। तो ये सीन था, फिर मैंने दिया तो नहीं उसको, ये जो गाड़ी वाले के भाई हैं इन्होंने भी थोड़ा सा कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया मुझे ही, तो इनके हेल्प से वहाँ से निकल तो आया मैं। तो अभी सिलीगुड़ी जा रहे हैं, आधा घंटा लगेगा तकरीबन। मैं हूँ जी सिलीगुड़ी में अपने गेस्ट हाउस में जो मैंने बुक किया था, और अब हो गया सोने का टाइम, काफ़ी थक गया हूँ, सारा दिन से बैग टांगा हुआ था मैंने पीठ पे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा सच में, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे वापस आते आते भी। तो डिनर मेरा हो गया है, दूध लाया था मैं, दूध भी पी लिया। तो अब करते हैं सोने की तैयारी, बाकी मैं गेस्ट हाउस आप लोगों को सुबह दिखाऊँगा। वही बेसिक, इसमें एक डबल बेड है, सामने टेबल और चेयर है, बस वही है और कुछ खास नहीं है, कि ये भी मैं आप लोगों को मॉर्निंग में दिखा दूंगा। तो चलिए जी, वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हाँ सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलते रहें। तो चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं कल सुबह।